आज वसंत पंचमी का दिन है, जिसके चलते जगह जगह पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। संतराम मंदिर, जिसका मुख्य मंदिर नड़ियाद में मौजूद है और उसी के भाग स्वरूप वडोदरा शहर में भी संतराम मंदिर मौजूद है। वसंत पंचमी के दिन संतराम मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसके चलते वसंत पंचमी के मौके पर संतराम मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। वैसे इसके साथ ही जब संतराम महाराज ने समाधि ली थी, तब आकाश से साकर वर्षा और पुष्प वर्षा हुई थी। उसी के चलते हर साल की परंपरा के मुताबिक संतराम मंदिर में साकर वर्षा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी साकर वर्षा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। हालांकि उपस्थित सभी भक्तों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। आ संतराम मंदिर छे अने आ वडोदरा में आवी छे। आवी 11 गादी छे, मेन गादी नड़ियाद में आवेली छे। अने जारे महाराज फरता था त्यारे अहीं आव्या था, एटले 12 महीने वसंत पंचमी ज खाली आरती थाय छे। अने जारे छोकरू नथी बोलतू त्यारे बोर उछळे छे, बोल बोल्या ने एटले महाराजे त्या दिवसे समाधि लीधी थी। पोष महिनानी पूनमे बोल्या था કે હું સમાધિ લઈશ, પણ લીધી હતી મા મહિનાની પૂનમે, એટલે બોર એટલે આજે ઉછળે છે। જે છોકરું બોલતું નથી બિલકુલ, એની બાધા રાખીને આજે બોલ ઉછાળે છે। અને આજે સાકર વર્ષા થાય છે, એટલે વર્ષમાં એક જ વાર આરતી થાય છે અહીંયા વસંત પંચમીએ। દરેક અલગ અલગ જગ્યાએ આરતી થાય છે। હવે મા મહિનાની પૂનમે નડિયાદ આરતી થશે, અને એ 6 વાગે આરતી થશે। ત્યાં બી જોર સાકર ઉછળે છે। અને જ્યારે બહુ વર્ષો પહેલાં જ્યારે મહારાજે સમાધિ લીધી હતી ને, ત્યારે બી ઉપરથી આકાશમાંથી વરસાદ થયો હતો સાકરનો, એટલે અત્યારે આપણે આ મહારાજની જ દયા છે કે સાકરનો વરસાદ થાય છે અને આપણે લાભ લઈએ છીએ અને બધા યજમાનો બી લાભ લઈએ છીએ। અને હું તો કહું છું મહારાજની દયાથી કોરોના બી ભાગી જાય। जय महाराज। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।